सो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पेंटियम टेक में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका किचन जोमेटो या स्विगी किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ आपका लिस्टेड है और बहुत दिन हो गए आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहा है या फिर बहुत ही कम आ रहा है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, ऐसा कौन सा उपाय करेंगे कि आपके पास ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा आने लगे। दूसरी चीज़, हम ये भी बात करेंगे कि आप कैसे अपने मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे, क्या आइटम को आपको सिलेक्ट करना चाहिए और क्या आपको सेल आउट करनी चाहिए, आइटम्स की रेट कैसे मैनेज करना होता है, एरिया में आपके कितने रेस्टोरेंट है, वो सारा चीज़ इस टॉपिक में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर में हम जानेंगे कि दो ट्रिक हम जानेंगे कि कैसे आपका पहले से बेटर ऑर्डर निकल सकता है, और दूसरा चीज़ हम जानेंगे कि आपके जो किचन है उसका रेटिंग हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी अपने से, मतलब हम खुद रेटिंग अपनी किचन की इंक्रीज कर सकते हैं। कई केस में होता क्या है कि हमारी जो किचन होती है नहीं होती है, हम लिस्टिंग पहली बार करते हैं, उस केस में होता है कि हम एक बार लिस्टिंग कर दिए तो हमारा किचन होता है नया, और बहुत सारे हैं जो 10 साल से पुराने, 5 साल से पुराने हैं, वो लोग बहुत पहले से काम कर रहे होते हैं। उस केस में क्या होता है, उनके पास बहुत सारे कस्टमर चले जाते हैं और उनके पक्के कस्टमर हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आप नए नए मार्केट में हो तो आपके पास ऑर्डर कम आएगा। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप ऐसा क्या करोगे कि आपके पास ऑर्डर पहले से ज़्यादा आए। और जाहिर सी बात है कि अगर ऑर्डर ज़्यादा आएंगे तो आपके पर डे रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ होएगी, और इंक्रीज़ होएगी तो आपको प्रॉफिट समझ में आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि इस तरह से वीडियो जो भी हमारी अपलोड होती है वो आपको पहले मिल पाए। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे मेन्यू आइटम्स। मेन्यू के नाम पे याद आया कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं, जिन भाइयों ने कमेंट किया है मेन्यू कार्ड कैसे बनाएं, उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो नेक्स्ट वीडियो उसी पे अपलोड होगी कि मेन्यू कार्ड हम कैसे बनाएंगे। बहुत ही छोटी वीडियो बनेगी, बहुत ही आसानी से, कोई भी मोबाइल से या आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर कुछ भी है तो आप इजीली बना सकते हो, मेन्यू कार्ड को डिजाइन कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो। एक बार में ही आपकी जो मेन्यू है वो अपलोड हो जाएगी और वो सिलेक्टेड हो जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं मेन्यू आइटम्स की। मेन्यू कार्ड में जो भी आप आइटम्स सेलेक्ट कर रहे हो, जो भी आप बेचने के लिए या फिर कुकिंग कर रहे हो, तो वो मेन्यू आइटम्स के अंदर में आप डालोगे तो वो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा कि आपकी जो आइटम्स है वो औरों के मुताबिक सेम ना हो, ठीक है। कुछ डिफरेंट ट्राई करो, कुछ अलग ट्राई करो। अब मान लीजिए कि आप अपने मेन्यू कार्ड के अंदर में 3-4 सब्जियाँ ऐड कर दी, जैसे कढ़ाई पनीर हो गई, शाही पनीर, मटर पनीर, कुछ भी आपने आइटम ऐड कर दिया। नॉर्मली है कि कोई रेस्टोरेंट ओपन करता है देन इसके अंदर में ये 3-4 आइटम तो 100% श्योर है कि मिल ही जाती है। तो आपको ये देखना है कि आपके एरिए के अंदर में कितने आपके कॉम्पिटिटर है। मीन्स कॉम्पिटिटर तो हम नहीं कहेंगे, कॉम्पिटिटर इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो बहुत पुराने हैं, 5 साल 10 साल, और आप ये वीडियो देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आप अभी इस फील्ड में नए हो या फिर आप अपना किचन ओपन करना चाहते हो। तो इस केस में आपको अपना आइटम सेलेक्ट करना होगा, ऐसा आइटम रखना होगा जो कि मतलब आपके एरिया में बहुत ही कम लोग वो चीज़ जानते हो, तो कुछ डिफरेंट ट्राई करो। रीज़न इसका ये भी है ना, जैसे मान लो कि अगर आपने कोई नॉर्मली दाल चावल सब्जी कढ़ाई पनीर शाही पनीर ये सब टाइप का आइटम आपने रख लिया, तो अब जो 5 साल 10 साल पुराने या इससे ज़्यादा पुराने आपके आसपास में जो भी रेस्टोरेंट किचन है जो कि बहुत पहले से बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास जो कस्टमर जा रहे हैं वो उनके ही पक्के कस्टमर हो जाते हैं, वो कहीं और नहीं जाते, फिर वो ट्राई भी नहीं करते। तो इसलिए जो भी ऑर्डर है ना, मेन्यू कार्ड जब आप आइटम सेलेक्ट करो कि आपको पहले तो डिसाइड करो कि आपको सेल आउट क्या करना है, आप अपने आइटम में क्या सेलेक्ट करना चाहते हो। एटलीस्ट आपके पास 10 आइटम ऐसी होनी चाहिए जो यूनिक हो, तो आपको एक मेन्यू कार्ड पहले डिजाइन करना होगा कि मेन्यू कार्ड के अंदर में आपको क्या क्या आइटम ऐड करनी है, ठीक है। कोई भी कस्टमर देखेगा कि 5 साल पुराना है, उसका भरोसा बना हुआ है, वो वहीं जाके खाएगा, खाने के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलता है, कपड़े और बाकी सब सामानों के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ चल जाता है। इसलिए कहते हैं बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो यूनिक करना चाहिए। मेन्यू कार्ड में आइटम्स के सिलेक्शन के लेकर अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, बट लेकिन इसके ऊपर भी मुझे बहुत सारे कॉमेंट चाहिए, तभी मैं इस पर वीडियो एक कम्प्लीट बना के बताऊँगा कि आपको डेडिकेटेड मेन्यू कार्ड को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड ऑप्शन जो कि हमारी मेन है, रेटिंग। सबसे बड़ी बात होती है रेटिंग। आप अगर मार्केट में नए हो, आपने अभी किचन क्लाउड किचन ओपन किया है, तो आपकी रेटिंग होएगी 0, ठीक है। जो 5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं उनकी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा होएगी या फिर 3.5 से भी ऊपर होएगी या 5 के अंडर, जो भी है बहुत पहले से काम कर रहे हैं और आप अभी वीडियो देख रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप या तो ओपन करना चाहते हो या तो आपने
नई नई शुरुआत की है। दो चीज़ हो सकती है, खास करके जोमेटो और स्विगी के प्लेटफॉर्म पे अगर आपको बिजनेस करनी है तो आपकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। और भी अच्छी मतलब क्या, 5 ना हो फिर भी 3.7 स्टार रेटिंग से आपकी एबव होनी चाहिए या फिर उतना होना चाहिए, तब आपको एक ऑर्डर, वैल्यूबल ऑर्डर मिलेगा। अगर 3.7 से नीचे आएगी तो आपकी जो है येलो कलर में आपकी जो रेटिंग दिखती है, अगर 3.7 में अगर रहती है या 3.5 से ऊपर रहती है तब जाके आपकी ग्रीन में आती है, तो ग्रीन एक गुड माना जाता है। डार्क ग्रीन जो होता है वो वेरी वेरी गुड माना जाता है। सो आप हमेशा ध्यान दो अपनी रेटिंग और रिव्यू के ऊपर में ज़्यादा फोकस करो। सपोज अगर आप शॉपिंग कर रहे हो किसी भी ई कॉमर्स साइट पे, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, कहीं पर भी आप शॉपिंग कर रहे हो, तो वहाँ पर आप 10 रुपये से लेकर 10,000 के जब भी शॉपिंग करते हो तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप उसकी रेटिंग और रिव्यू देखते हो कि जो पुराने कस्टमर है उन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है उनका फीडबैक क्या रहा है, तो वो फीडबैक अपना डालते हैं, उसी बिहाफ पे आप परचेस करते हो। तो जाहिर सी बात है अगर आप खाना भी सेल कर रहे हो तो वहाँ पर रेटिंग और रिव्यू का ऑप्शन आता है, तो वो चीज़ जरूर कस्टमर देखता है कि पहले जो कस्टमर ने ऑर्डर किया है उनका रिव्यू और रेटिंग क्या है। अगर कोई नहीं डाल रहा है रिव्यू रेटिंग, देन तो आपको कोई ऑर्डर नहीं करेगा। बहुत ही रेयर केस में मिल गया वो अलग बात है, बट लेकिन ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी आपकी प्लस पॉइंट यही रहेगी कि आप सबसे पहले अपने रिव्यू और रेटिंग पे फोकस करें, जितनी जल्दी हो सके उसे आप इंक्रीज करें। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप कैसे आप उस चीज़ को इंक्रीज कर सकते हो। और रियलिटी तो ये है कि जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मेरे साथ भी सेम यही हुआ था, बट लेकिन आज मेरा ऑर्डर सही है, तो मैंने भी यही ट्राई किया था जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, आप भी ये ट्राई कर सकते हो। देखो रिव्यू रेटिंग तो तभी मिलेगा जब ऑर्डर निकलेगा, ऑर्डर ही नहीं निकल रहा है तो रिव्यू देगा कौन। सबसे पहले बात ये है, आप गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ मान लो कि आपका ऑर्डर जब निकलेगा ही नहीं, ऑर्डर कस्टमर के पास जाएगा ही नहीं, ऑर्डर आएगा ही नहीं, तो वो कस्टमर आपको रिव्यू कैसे देगा। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि रिव्यू आप डालो, कैसे आप रिव्यू डालोगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि रेटिंग और रिव्यू हम कैसे अपने किचन के ऊपर में या फिर रेस्टोरेंट के ऊपर में डाल सकते हैं जिससे हमारी रेटिंग सुधर सके या फिर अच्छी हो सके। इसके लिए आपके पास एटलीस्ट 10 जीमेल आईडी होनी चाहिए। 10 जीमेल आईडी आप कैसे कहां से लाओगे, एक मोबाइल नंबर पे इजीली 10 जीमेल आईडी क्रिएट हो जाती है। 2 जीमेल आईडी तो आपकी ऐसे ही बन जाएगी विदाउट मोबाइल नंबर का, मतलब टोटल आपके पास एक मोबाइल नंबर पे 12 जीमेल आईडी बन गई। नॉर्मली हर किसी के पास आजकल 2 सिम कार्ड रहते हैं, आपके पास तो 24 जीमेल आईडी ऐसे ही बन गई। ठीक, अब 24 जीमेल आईडी का करना क्या है ये नेक्स्ट प्रोसेस मैं अभी आपको बताता हूँ। अब आपको जोमेटो एप्लीकेशन अपने मोबाइल में ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जहाँ से लोग ऑर्डर करते हैं, कस्टमर जब ऑर्डर करते हैं तो इसी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, देखिए एक तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं, एंटर मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं, और अगर मोबाइल नंबर एंटर करना है तो आप एक बार लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जीमेल का यूज़ करूँगा। जो ईमेल आईडी हमने एक बनाई है वो ईमेल आईडी हम यूज़ करेंगे, तो सीधे हम जीमेल के ऊपर में जाते हैं, जो जी लिखा हुआ है इसके ऊपर में हम सिंपली क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कोई भी जीमेल आईडी को आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं ये वाला आईडी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस समय सारे किचन जितने भी हैं वो सारे बंद हैं, यहाँ पर शो कर रहे हैं जितने भी किचन बंद है। अब यहाँ पर आपको अपना किचन का नाम डाल के सर्च कर लेना है, जो भी आपका किचन या रेस्टोरेंट का नाम है वो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। सर्च करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, यहाँ पर आपकी रेटिंग जो है वो वहाँ पर शो करेगी। अब आपको क्या करना है, रेटिंग वाले सेक्शन पे यहाँ पर जो है ना, आप रेटिंग वाले जो कि ये वाले जो सेक्शन है ना, यहाँ पर आपको जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पेन का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर पेन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है रिव्यू के लिए। अगर आपको खुद से रिव्यू डालना है यहाँ पर क्लिक करना है। रिव्यू में आप यहाँ पर अपना स्टार रेटिंग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको 5 स्टार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी है ये इसमें से जो भी वंडर जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आपको फ़ोटो ऐड करना है इसके अंदर में, तो एक फ़ोटो क्लिक करके आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फ़ोटो वाली जो रिव्यू होती है वो ज़्यादा बेटर होती है, तो आप उस चीज़ को फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं, बट लेकिन फ़ोटो ओरिजिनल होनी चाहिए, गूगल से डाउनलोड नहीं चलेगा। राइट एव रिव्यू में जाना है, यहाँ पर 100 वर्ड का आपको एक रिव्यू यहाँ पर एंटर करना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है, सो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देन यहाँ पर हम सबमिट के ऊपर में हम क्लिक करेंगे। जो हमारी रिव्यू और रेटिंग थी वो यहाँ पर सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम एक बार रिफ्रेश करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो भी मैंने अपनी रेटिंग डाली थी यहाँ पर मेरा यहाँ शो कर रहा है। अजय के नाम से अकाउंट था और यहाँ पर 5 स्टार यहाँ पर शो कर रहा है। इस तरह से आप भी अपनी डेली 2 रिव्यू आपको डालने हैं, और जैसे ही आप ये सब कंप्लीट कर लोगे ना, जैसे ही आप
आपने कम से कम 20-22 रिव्यू डाल दिया, आपकी जो रेटिंग है, रैंकिंग है, वो 4.95, अब जैसे देख सकते हैं कि 4.9 का यहाँ पर रेटिंग आ रहा है, तो इस हिसाब से आपकी भी रैंकिंग बढ़ जाएगी, देन आपको ऑर्डर कंटिन्यूअस आना स्टार्ट हो जाएगा। सो देखा आपने कितना आसानी से रेटिंग और रिव्यू आपने डाल दिया। तो ऐसे करके आप डेली एक जीमेल आईडी से एक ही, हाँ लेकिन ये हमेशा याद रखना, एक ईमेल आईडी से आप एक ही रेटिंग डाल सकते हो, उसके बाद उस ईमेल आईडी को छोड़ दो, उससे दोबारा आप नहीं डाल सकते। तो आपको हर ईमेल आईडी पे एक ईमेल आईडी आपको चेंज करनी होगी, एक रिव्यू रेटिंग करने के बाद आपको एक ईमेल आईडी चेंज करनी होगी। आप एक दिन में 2 रिव्यू और रेटिंग करो, 5 स्टार के 2 रेटिंग मारो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चले जाओ, नेक्स्ट स्टेप पे करो। ऐसे ही करते करते आपको टोटल 6 दिन आपको पूरे करने हैं। 6 दिन आपने डाल दिया, 7वें दिन जब आपको पता है 7 डेज के बाद रेवेन्यू जनरेट होती है, उसी समय आपकी जो है रेटिंग कैलकुलेट होती है, उसी भी हाफ पे आपको स्टार रेटिंग मिलती है कि कितने स्टार आपके किचन को या रेस्टोरेंट को आपको मिलेगा, उसी रेटिंग के ऊपर डिपेंड रहती है। तो आप 6 दिन तक आप डेली 2 रिव्यू करके 5 स्टार करके डालो, आप देखना 6 दिन के बाद आप देखना, आपको रिपोर्ट खुद ही आपको मिल जाएगी आपकी रेटिंग कितनी इंक्रीज हो चुकी है। इसके अलावा 24 ईमेल आईडी के अलावा आपके पास न जाने कितने फ्रेंड्स होंगे, फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई भी आपके फैमिली मेम्बर्स में हर लोगों के पास आज के डेट में मोबाइल है, आप किसी भी मोबाइल से 2 सिम कार्ड है उनके मोबाइल से लॉग इन करके जोमेटो के स्विगी पे जहाँ भी आपको रेटिंग और रिव्यू करनी है वहाँ पर इजिली आप कर लो, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं आपके अकाउंट में कोई ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इजीली वहां से कर सकते हो। जैसे ही आप इस चीज़ को कंप्लीट करते हो 6-7 दिन के बाद आप देखना, वैसे ही आपका रेटिंग इंक्रीज होएगा, फिर अगले 6 दिन तक आप करना, रेटिंग आपकी हाईलाइट होती जाएगी और इंक्रीज देन जब आपकी 4.5 या 4.4 के करीब में आपकी जब स्टार रेटिंग पहुंच जाएगी, तब जाके जोमेटो से आपको ऑर्डर मिलना काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। जब कस्टमर देखेंगे कि यहाँ पर क्या बात है, इतनी सारी रेटिंग मिल रही है तो एक बार ट्राई करना चाहिए, तो वहाँ पर आपको ऑर्डर मिलेगा, कस्टमर वहाँ पर मिसगाइड होके आपको ऑर्डर देगा। बट लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर पेशेंस रख के यहाँ ध्यान से सुनने वाली बात है कि आपके पास जब ऑर्डर आने लगे तब आपको क्या करना है कि आपके जो फूड है और आपकी क्वालिटी, उसके अलावा आपकी जो टाइमिंग है, कितने देरी में आप कितने टाइम के अंदर में वो फूड को रेडी करके डिलीवरी बॉय जो आपके पास आ रहा है उसको दे रहे हो, ये सारा चीज़ कस्टमर के मोबाइल में शो करता है कि आप कितने मिनट में फूड को रेडी किए। उसके बाद आपका फूड का जो टेस्ट है, क्वालिटी है, पैकिंग क्या है, वो सारा चीज़ मायने रखता है। तो यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डर आपको कैसे मिलेगा, ऑर्डर को संभालना आपकी जिम्मेवारी है कि कैसे आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि ऑर्डर तो आपको मिलने लगा, अब आप ऑर्डर कैसे उसे सेट करते हो ताकि वो ऑर्डर कंटिन्यूअस रहे। जब एक बार आप कस्टमर को एक अच्छी सर्विस दे देते हो तो कस्टमर बस आप ही को ऑर्डर करेगा। नेक्स्ट टाइम से आपको आप एक बार ट्राई करके देखना, जोमेटो के अंदर में एक खासियत है कि रिपीटेड कस्टमर बता देता है कि आपके पास डेली कितने रिपीटेड कस्टमर है या वीकली कितने रिपीटेड कस्टमर है, कितने कस्टमर हैं जो कि आपको दोबारा या 3 बार 4 बार 5 बार कितने बार ऑर्डर दे दिया वो आपको बता देता है। तो ये चीज़ का प्लस पॉइंट का बेनिफिट उठाइए, उसे आप ऑर्डर निकालिए, ऑर्डर निकालने के बाद अच्छी सर्विस आप प्रोवाइड करवाइए, आपकी जो रेटिंग है और रैंकिंग है ये सारा इम्प्रूव हो जाएगा। सो ये था मेरा जो दो टिप्स, इसी से मैंने भी अपनी रैंकिंग इंक्रीज़ की है और मैं आज मुझे भी ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा यहाँ मिलता है, तो आप इसे ट्राई करो और जैसे जैसे मैंने बताया वैसे फॉलोअप करो। जो भी हम बताते हैं, जो भी मेरे चैनल पे बताया जाता है, वो पूरी एक्सप्लेनेशन करने के बाद, पूरी एग्जामिनेशन करने के बाद खुद हम ट्राई करते हैं, देन आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो एक बार आप ट्राई करके देखो, 6-7 दिन के बाद अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ा आप कॉमेंट में कीजिएगा, ज़रूर उसका जवाब दिया जाएगा। सो बस आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।